नमस्कार दोस्तों, गर्मियों के इस मौसम में कुछ लोगों के पास पुराना कूलर होता है तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नया कूलर खरीदने की सोच रहे होते हैं। कूलर चाहे पुराना हो या नया, अगर ठीक से इस्तेमाल न किया जाए तो ठंडी हवा नहीं मिल सकती। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जिन्हें आजमा कर आप भी अपने कूलर से ठंडी हवा का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे लॉक द डील ऐप के बारे में, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं एसी, इन्वर्टर और बैटरीज की, जहां आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट से कम प्राइस में। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो शुरुआत करते हैं टिप नंबर एक से, धूप से बचाएं। कूलर की जगह सुनिश्चित करने से पहले एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो यह है कि कूलर आपको तभी ठंडी हवा देगा जब वह ऐसी जगह पर रखा हो जहां पर धूप कूलर पर ना पड़े। यदि कूलर पर धूप पड़ेगी तो आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी और पानी की खपत भी ज्यादा तेजी से होगी। टिप नंबर टू, वेंटिलेशन है सबसे महत्वपूर्ण। कूलर को प्लेस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ठंडी हवा का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब कूलर की हवा को बाहर निकलने के लिए आपके रूम में सही वेंटिलेशन होगा। टिप नंबर तीन, खुली जगह है जरूरी। बात पुराने या नए कूलर की नहीं है, बात है कूलर को जहां भी रखे वहां जगह खुली होनी चाहिए। यदि संभव हो पाए तो घर के किसी खिड़की में इसे फिक्स करा लें। जितनी खुली जगह इसे मिलेगी उतनी ही ठंडी हवा आपको यह देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टिप नंबर चार की, घास बदलना भी है जरूरी। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि कूलर में घास का इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि इसे नियमित रूप से साफ न किया जाए तो इसमें धूल जमने लगती है। गौर करने वाली बात यह है कि धूल जमने के कारण आपको ठंडी हवा नहीं मिलती। ऐसे में जब भी जरूरत लगे घास को बदलते रहना चाहिए ताकि हवा आने का रास्ता ब्लॉक ना हो। ध्यान दें कि घास घनी नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में गैप जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।